बेटा बैठो। और पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है पापा जी। अच्छी चल रही है, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं पापा जी। अच्छा तो कुछ सवाल पूछूं तुमसे? पूछो। अच्छा तो आप हमें 2 का टेबल सुनाइए। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20। अरे वाह, आप तो बहुत होशियार हो, ऐसे ही अच्छे नंबर लाओ स्कूल में, ठीक है? समझदार कैसे नहीं होगी, आखिर बेटी किसकी है? अरे बेटी तो हमारी भी है। ये लीजिए चाय। लाओ लाओ। लो बेटी सान भी, तुम भी पियो। अरे कांता, मैं ये कह रहा था कल मार्केट से सानवी के लिए कुछ कपड़े ले आना, ठीक है? ठीक है। अरे किसका फोन आ गया? हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कांग्रेचुलेशन सर। सर आपने जो कल सीआरएल का इंटरव्यू दिया था उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है और आपकी कल जॉइनिंग है, कल टाइम से आ जाना। ठीक है सर, मैं आता हूँ। किसका फोन था जी? अरे कांता ये रखो साइड में। और तुम्हें पता है आज मेरा सिलेक्शन हो गया है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी में। क्या सच में? हाँ सच में, और मुझे बहुत जल्दी निकलना है। तुम मेरा बैग तैयार करो। बैग तैयार करो मतलब तुम वहीं रहोगे? हाँ मैं वहीं रहूंगा, और तुम अपना और मेरी प्यारी बच्ची का ख्याल रखना, क्योंकि मुझे पता है तुम इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाओगी। हाँ मैं अपनी बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ अब ठीक है, जल्दी से जाओ और मेरा बैग तैयार करो। ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना और मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। अरे मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? और मम्मी को ज्यादा परेशान नहीं करना है, ठीक है? ठीक है पापा। बेटा मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, ठीक है? पढ़ाई में मन लगा के पढ़ना, कोई भी परेशानी हो तो मम्मी को बोल देना, वो मुझे बता देंगी, ठीक है? अरे कांता, अरे कांता मेरा बैग लेके आओ, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी। अभी लाई जी। ये लीजिए आपका बैग। अब मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? और बच्ची का ख्याल रखना, कोई भी बात हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना और टाइम से खाना खाना। पापा मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बेटा मैं जल्दी वापस आऊंगा, ठीक है? और अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, बाय। तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है। क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही हूँ। अरे ओ महारानी, बहुत कर ली पढ़ाई, बन गई मास्टरनी, जा के ही कपड़े धो चल। मम्मी मैं अभी तो बहुत छोटी हूँ, कैसे धो सकती हूँ कपड़े? जवान तो बहुत चल रही है, जाके कपड़े धो ले, कभी बनाऊंगा भी मास्टरनी। बड़े भारी, मम्मी मैं तो बहुत छोटी हूँ। मम्मी आप तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, ऐसा क्यों कर रही हो? ज्यादा जवान चला रही है, जाके कपड़े धो ले। मम्मी ऐसा क्यों कर रही है? मुझसे तो वो बहुत प्यार करती थी। काम कर ले काम, कभी अभी आंसू बहाऊं। मम्मी मैं कर तो रही हूँ। कर तो रही हूँ, जवान तो देखो कितनी चलती है। हाँ
हाँ हेलो। हाँ हेलो, कांता कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ, तुम्हारा मन लग रहा है? सब कुछ ठीक से हो गया ना? अरे हाँ हाँ बाबा, सब कुछ ठीक से हो गया। और हमारी शानवी कैसी है? हाँ शानवी भी अच्छी है। जरा बात कराना शानवी से। शानवी से बात? ठीक है, मैं करा रही हूँ। महारानी, मम्मी बाल खींच रहे हैं। बाल खींच रहे हैं? बताऊं अभी? तेरे बाप का फोन है, अगर मेरे बारे में कुछ भी बताया ना तो तुझे इतना मारूंगी और शाम का खाना भी ना देने की। ले बात कर। हेलो। हेलो बेटा शानवी। हाँ पापा। बेटा कैसे हो? पापा मैं ठीक हूँ। बेटा क्या कर रहे हो? पापा मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बेटा पढ़ाई कर रहे हो? खाना खा लिया? हाँ पापा मैंने खाना खा लिया। अच्छा, और अपनी मम्मी को ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं पापा। बेटा का मन लग रहा है? हाँ पापा, आप कब आओगे? बेटा मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, तुम पढ़ाई करो ठीक है? बहुत हो गई बात, लग जा अपने काम पे। कांता, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है, और वैसे भी तुम तो मुझे बिल्कुल भूल गई हो। तुम्हें याद है ना वो दिन जब अपन बाग में मिला करते थे? हाँ राजेश, मुझे सब याद है, लेकिन तुम तो जानते हो ना, मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी बिना मर्जी के की है। मैं तुमसे बात इसलिए नहीं कर पाई, जो मेरा पति है ना वो घर पे ही रहता था, अभी 8 दिन पहले ही गया है काम पे महीने के लिए। इसका मतलब अब तुम उसे मिल सकती हो? हाँ। मैं रोज आ सकता हूँ? अब तुम रोज आ सकते हो, जब मन चाहे तब आ सकते हो, फोन पे बात भी कर सकते हो, क्योंकि अब हमें रोकने वाला और देखने वाला कोई भी नहीं है। वो तुम्हारी सौतेली बेटी, उसका क्या? अच्छा वो, मैंने उसको नौकरानी बना रखा है, नौकरानी घर का सारा काम करती है। अच्छा, लेकिन अभी कहाँ है वो? वो? हाँ। वो तो अभी स्कूल गई है। अरे ये मम्मी के साथ कौन है? अच्छा शानवी, तू आज स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई? मम्मी, मेरे स्कूल में सिर में दर्द हो रहा था, मैम ने मुझे दवाई देके उन्होंने कहा दवाई लेके घर चले जाओ। वैसे मम्मी ये अंकल जी कौन है? ओ शानवी, ये अंकल? हाँ। ये बिजली फिटिंग करने वाले हैं। तू जा जाके पढ़ाई कर। मम्मी आप इस तरह से इनसे बात क्यों कर रही थी? तुझसे कहा ना, जाके अपनी पढ़ाई कर, हर समय दादी बनती रहती है। कांता, लगता है इसने अपनी सारी बातें सुन ली। हाँ, और तुम्हें पता है ये ना बहुत ही तेज है, दादी एक नंबर की, सारी बातें अपने बाप को बताएगी। अब क्या करें? अब क्या होगा, बहुत टेंशन हो रही है। अरे यार, तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे हो रही है। कांता, अगर इसने अपने बाप से बता दिया तो सारा भाड़ा फूट जाएगा। हाँ तो तुमको सोचो ना क्या करना है। कांता सुनो, कैसा लगा आइडिया? कितने हो गए भैया? 20 रुपए। ये लो। ठीक है। अरे कांता, शानवी, अरे कहाँ हो बेटा? शानवी देखो मैं आ गया। अरे आ गए तुम? हाँ मैं आ गया, आओ बैठो। आने में कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। शानवी दिखाई नहीं दे रही, शानवी कहाँ पर है? ओ शानवी, शानवी को तो
क्या शानवी को, क्या हुआ शानवी को? अरे तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी शानवी को। शानवी तो माताजी के दर्शन करने गई है। मेरी दूर की मौसी है ना, वो मुझे बोल रही थी ले जाने को। अब मैं तो घर छोड़ के जा नहीं सकती। वो जिद करने लगी, मैंने उसे भेज दिया। मासूम बच्ची है, इतना प्यार करती हूँ, मैं मना नहीं कर सकती थी उसको। लेकिन ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी ना। हाँ, उसके लिए सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया। वैसे मैं बताने ही वाली थी, अब आप आ गए, आपको पता चल गया। आ जाएगी दो चार दिन में। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ। लाओ ये बैग मुझे दे दो, इतने आराम करो तुम। अरे बहुत थक गया, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पापा, पापा, शानवी, शानवी बेटा कहाँ हो? पापा। बेटा शानवी, मस्ती कर रहे हो पापा के साथ? कहाँ हो बेटा, जल्दी आओ, मुझे तुमसे मिलना है। पापा मैं नहीं आ सकती। क्यों बेटा, कहाँ हो तुम? बेटा तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? शानवी, पापा मैं आपसे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती बेटा, अपने पापा के पास नहीं आओगे? क्योंकि पापा मैं मर चुकी हूँ। क्या? पापा, पापा, मैं शानवी नहीं हूँ, मैं शानवी की आत्मा हूँ। मम्मी ने तो मुझे एक महीने पहले ही मार दिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ मेरे बच्चे? पापा मैं जब स्कूल से आ रही थी, जब मैंने देखा। लगता है मर गई। मैं इसे गड्ढा खोद के दबा आता हूँ, ना इसके बाप को पता चलेगा। क्या हो गया बेटे, ये कैसे हुआ? शानवी, मुझे छोड़ के मत जा शानवी। पापा। हाँ बेटा। आप मुझसे एक वादा करो। बोलो बेटा। आपको मेरी कसम है। तुम्हारी कसम बेटा, बोलो क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? पापा आप माँ को कुछ नहीं कहोगे। पापा मुझे ये मत समझना, मैं आपसे दूर हमेशा साथ हूँ, और मम्मी ने मुझे पास वाले खंडन में दबाया है। शानवी।
सानवी, 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 तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, आंखें खोल मेरी बेटी, सानवी, मेरी बेटी।